ऐसा नहीं हो सकता। बताओ मुझे, आप झूठ बोल रहे हैं ना? ये सब मजाक है। मैं तुमसे प्यार, खुदा के वास्ते मुझे अकेला छोड़ दो। तो ना बात समझ नहीं आती है। मैंने इन सबको मना किया था, मुझे अच्छा नहीं लग रहा था इस तरह तुम्हें बार बार बुलाने के साथ जुड़ा है। तुम्हारी इज्जत मेरी इज्जत है, मत करना जिसकी वजह से मेरे खानदान के नाम पर हर्फ आए। मुझे तो समझ ही नहीं आ कि आखिर ये मामला कहां जाकर रुकेगा। नहीं अम्मी, ऐसी बात नहीं, आप आए ना बैठे। मैं बैठ मत रहे और मुझे हवेली जाना पड़ेगा। मैं बस किसी भी तरह गेट पर चौकीदार को बातों में लगाना है। लेकिन उसके बावजूद तुम घर पे नहीं थे, तब कितनी बुरी बात है। आराम से मेरी बात तो सुनो। बोलो। मेरी बात सुनो। क्या गलती, क्या कोताही हुई है जो वो मुझसे इतना दूर है? मेरी उनसे बात भी नहीं हो पाती। मैं मामा से भी कहती हूँ कि मेरी बात करवा दें, लेकिन वो भी नहीं सुनती। लड़कियों के शौहर उनके मुहाफ़िज़ नहीं बनते, उनका कोई घर नहीं होता, उनकी कोई मंजिल नहीं होती। कुरान पाक पे हाथ रख के कसम खाई थी, तो जी दोस्तों, अब आप लोग इस ड्रामे के आखिर में शीना और पिज़्ज़ा का क्या अंजाम देखना चाहते हैं? कमेंट करके अपनी राय का इजहार जरूर करें। वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।